समर्पण जीवन बदलता है। मैं कैसे जानूं कि मैं पूर्ण रूप से किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने गुरु के प्रति समर्पित हूं कि नहीं हूं? अगर हूं तो मैं कैसे जानूं, अगर नहीं हूं तो मैं कैसे जानूं? समर्पण जीवन की परम घटना है और यह वैसे ही सौभाग्य से होता है जैसे 9 वर्ष की अवस्था में मुझे सौभाग्य से स्वतः हो गया था। अगर आपके जीवन में कहीं किसी के प्रति समर्पण का इतना गहन भाव पैदा हो जाए तो समझ लेना अस्तित्व की बहुत बड़ी अनुकंपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। और जब समर्पण घटित हो जाता है तो आपके रोए रोए में, आपके प्राणों में एक ही छटपटाहट होती है कि मैं जिसके प्रति समर्पित अनुभव करता हूँ उसके लिए और क्या कर दूँ, और क्या कर दूँ, और क्या कर दूँ कि उसका आनंद बढ़े और मुझे उसका प्रेम और अधिक और अधिक और अधिक मिलता जाए। अगर ऐसा भाव आपके प्राणों में हो जाए तो समझना कि समर्पण की घटना घटने लगी है। दूसरी कसौटी है, जब समर्पण का भाव हो जाता है तो जिसके प्रति समर्पण होता है एक अवस्था आ जाती है कि वो दिन को अगर रात कहे तो तुम दिन में रात ही खोजने लगते हो, और रात को अगर दिन कहे तो रात में दिन खोजने लगते हो। और दूसरा चमत्कार ये है कि तुम्हारा भाव इतना गहन हो जाता है कि अगर वो दिन को रात कहे थोड़ी ही देर में दिन में तुम्हें रात ही दिखाई देने लगती है। और समर्पण घटित हो जाने का अर्थ है कि अब कोई संदेह की गुंजाइश न रही, अब कोई सुधार की गुंजाइश न रही, अब जिसके प्रति समर्पण घटा है वो साक्षात परमात्मा ही है और अब उसके किसी भी भाव दशा के ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता। मैं हमेशा सुना देता हूँ आपको ये बात, अपने गुरुदेव से मैंने पूछा कि गुरुदेव आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन मेरी जिंदगी में ऐसे सिद्ध होता है जैसे कि वो परमात्मा का वचन हो, आपकी कोई बात आज तक मेरी जिंदगी में गलत हुई नहीं, ऐसा क्यों? उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कहता हूँ तो तुम्हारे रोए रोए में यही भाव होता है कि गुरुदेव ने नहीं गुरु भगवान के मुंह से निकल गया तो अब तो ये हो ही जाना है। चूंकि तुमने मान लिया कि गुरु भगवान ने कह दिया है तो तुम्हारे रोए रोए में भाव हो जाता है कि ये तो भगवान का कहा हुआ कहीं गलत होता है, अब ये तो हो ही जाना है। इसलिए सारे अस्तित्व की शक्तियां उसे साकार कर देती हैं। चूंकि तुमने मुझे परमात्मा मान ही लिया है इसलिए मेरा वचन तुम्हारे लिए परमात्मा का वचन हो जाता है। यही समर्पण का विज्ञान है। और अंत में कहूंगा, जब समर्पण हो जाता है तो दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं अपने आप पता चल जाता है कि समर्पण हो गया है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो कभी पूछना पड़ता है कि कैसे जानूं कि मुझे प्रेम हो गया है कि नहीं हो गया है। प्रेम हो गया तो किसी को नहीं पता चलता लेकिन आपको पता चल जाता है। तो जब समर्पण हो जाता है तो किसी को पता चले ना चले हृदय की गहराइयों में आपको पता चल जाता है कि समर्पण हो गया है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।